वेलकम बैक टू ओटीजी दोस्तों, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन टेक ज्ञान चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वेलकम बैक दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंडोज ने अपना ऑफिशियल विंडोज 11 जो है उसे लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो हमें इस ईयर के एंड तक ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा, जहां से हम उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को अपग्रेड कर पाएंगे विंडोज 11 में। अगर आप लॉन्च से पहले विंडोज 11 का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, उसे यूज करना चाहते हो, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी अपने विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 11 से अपग्रेड कर पाओगे। विंडोज 11 को अपग्रेड करने के लिए विंडोज ISO फाइल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप इस विंडोज ISO फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे राइट क्लिक कर लेना, जहां से आप इसे माउंट करना होगा। जैसे आप माउंट पे क्लिक करते हो तो आपको विंडोज 11 का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि लास्ट में जो है setup.exe जो फाइल है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को सेटअप को जो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे आपके सिस्टम के सामने एक पॉपअप आएगा। अगर आपको कोई पॉपअप आता है तो आपको अलाउ में क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप देख पाओगे कि विंडोज जो है आपके सिस्टम में लोड होना स्टार्ट हो चुका है। प्रिपेयरिंग 43% आप देख पाओगे, ठीक है। और जैसे 100% हो जाता है तो ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे विंडोज को इंस्टॉलेशन परमिशन पूछा जा रहा है कि आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली जो लेफ्ट में चेक बॉक्स है उसे चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर चुका होगा। यहाँ पे देख पाओगे आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। और बस अभी हमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक का वेट करना होगा। अभी आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुका है और सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑल न्यू विंडोज 11 जो है बूट स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको जो है सिंपली रीजन और कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा और थोड़ा बहुत बेसिक सेटिंग्स करना होगा, जैसे कि आपका नाम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा और आपका विंडोज 11 जो है इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। अगर आप विंडोज 11 का कंप्लीट रिव्यू और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।